हेल्प, न्यूज और लॉग आउट। मैं हर बटन को आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किसकी क्या यूसेज है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आप होम बटन पर हैं। होम बटन पर देखिए, टॉप पर आपको स्टूडेंट का नाम दिखाई दे रहा होगा और उसका एसआर नंबर, उसका एसआर नंबर दिखाई दे रहा होगा और साथ में स्टार का नंबर, स्टार दिखाई दे रहा होगा। स्टार से पता चलता है हमें स्टूडेंट का ओवरऑल स्कोर कितना है और ट्रॉफी के निशान से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की क्लास में रैंक क्या है। और नीचे कंटिन्यू लर्निंग है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा घंटी का निशान। घंटी का निशान यानी कि नोटिफिकेशन, टीचर के द्वारा भेजा गया कोई भी होमवर्क या कोई भी क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट यहां पर देख सकता है। और कंटिन्यू लर्निंग में टॉप 5 यहां पर चैप्टर्स होंगे जो स्टूडेंट ने रिसेंट देखे होंगे, चाहे वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो या सोशल साइंस के हो। तो स्टूडेंट्स को दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से उन टॉपिक्स को दोबारा एक्सेस कर सकता है। उसके नीचे आता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे क्लास के, टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स, ये वो टॉप स्टूडेंट्स हैं क्लास के जो बेटर हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है क्लास में। जरूरी नहीं है कि ये टॉप स्टूडेंट्स ही रहें, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, अच्छा स्कोर करता रहेगा, वो इस लीडर बोर्ड का भाग बन सकता है। उसके बाद आता है न्यूज एंड अपडेट्स। न्यूज अपडेट्स में स्टूडेंट जो भी अपडेट्स होंगी यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा देख सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लर्न बटन पर। जैसे ही हम लर्न बटन प्रेस करते हैं तो आपको टॉप पर 3 बुक्स दिखाई देंगी, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 10th क्लास के बच्चे के क्रेडेंशियल लिए हैं, तो आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वैसे प्लस टू में हमारे पास यहाँ 2 ही सब्जेक्ट बुक हैं, हिंदी और टोटल चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपको यहाँ चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एवरी मंथ ही अपडेट होते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू भिवानी बोर्ड मंथली सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम इंग्लिश लेते हैं। चलिए यहां से हम एक टॉपिक लेते हैं, उदाहरण के लिए ये हमने टॉपिक लिया है। यहां पर उस टॉपिक की स्टूडेंट्स आप लोग सबसे पहले तो डिजिटल फॉर्म में आप यहां पर पीडीएफ देख सकते हैं और उस चैप्टर की आप यहां वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। हर एक चैप्टर की एक वीडियो होगी। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद सिस्टम एक टेस्ट जनरेट करेगा, जिसे कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आप ये टेस्ट नहीं करेंगे तो रेमेडियल में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा, राइट? क्योंकि ये टेस्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये टेस्ट करेंगे तभी रेमेडियल में आपको सब कुछ भी शो होगा। तो चलिए हम ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जैसे कि आपने वीडियो देख ली और चैप्टर पढ़ लिया, उसके बिहाफ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली ये टेस्ट जनरेट करता है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। देखिए यहां पर सिस्टम ने ये टेस्ट बना दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हैं आप देख पा रहे होंगे 10 क्वेश्चन हैं और मार्क्स हैं। चलिए आई एम रेडी टू स्टार्ट। जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आप टेस्ट जो आपको जितनी आपकी कैपेसिटी थी, जितना आपने पढ़ा, तो यहां से आपकी वैल्यू इवैल्यूएट होगी, कितनी आपने नॉलेज ग्रैब की। देखिए मैं आपके सामने यहां रेंडमली आंसर्स दे रहा हूं।
जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा तो आपके पास मैसेज आएगा एंड टेस्ट का, तो आप टेस्ट को एंड कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको स्कोर दिखाएगा, तो आपने 4 मार्क्स ग्रैब किए। इससे पता चलता है कि आपने टेस्ट कैसा किया। यहां पर टोटल स्कोर आपका दिखाई दे रहा होगा और आपको बोनस पॉइंट और एक्यूरेसी लेवल आपका क्या रहा यहां पर शो होता है, और टोटल टाइम आपने कितना लिया, कंज्यूम किया। तो इसमें आपने 1 मिनट और 34 सेकेंड्स लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं रैंडमली टेस्ट कर रहा था, तो आपके सामने परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं डिटेल रिव्यू। इसमें पता लगता है कि हमने हर एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लिया और डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, यहां से भी हमें पता लगता है। देखिए, आपको देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चंस मैंने ठीक किए और कितने के आंसर्स रॉन्ग थे। एवरीवन, आप देख पा रहे होंगे कि टेस्ट यहां पर हो गया है। अब रेमेडियल में देखिए, अब खाली नहीं है, आप टेस्ट देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर स्टूडेंट एक चैप्टर में 10 सब टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें से अगर 7 में स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया और 70% स्कोर ग्रैब किया और 3 में वो वीक रहा, तो रेमेडियल में वो 3 ही दिखाई देंगे और उनकी प्रैक्टिस स्टूडेंट बार बार उसकी PDF देखकर और वीडियो देखकर बार बार उनका टेस्ट दे सकता है। ये अनलिमिटेड टाइम स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वीडियो देख लेंगे स्टूडेंट्स और PDF देख लेंगे, उसके बाद टेस्ट जनरेट कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको जनरेट करके दे, इस टाइप से आप टेस्ट जनरेट करेंगे और कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हेल्प से ही पता लगता है कि सहायता। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अपने टीचर से किसी भी विषय के बारे में यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू क्वेरी पे जाएंगे स्टूडेंट, हाँ, और यहाँ पर जाकर आप उस विषय को सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और कुछ भी ला सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए कि फ्यूचर टेंस में प्रॉब्लम है, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। जैसे आप ये लिखेंगे और उसके बाद जैसे ही इसे आप सबमिट करेंगे, तो इसकी नोटिफिकेशन आपके टीचर को पहुंच जाएगी और जैसे ही उसे देख लेंगे, अगर आपको रिप्लाई करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। देखिए, अभी ये ओपन है, जैसे ही टीचर इसे पढ़ेगा और आपको रिप्लाई भेजेगा तो ये क्लोज भी हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बटन है हमारा न्यूज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज में डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण न्यूज होगी तो स्टूडेंट उसे यहां पर देख पाएंगे। आगे चलते हैं, लॉग आउट बटन। अगर आप इस टैब से बाहर आना चाहते हैं तो आप लॉग आउट बटन प्रेस करके बाहर आ सकते हैं। आशा करता हूं कि अब तक आपको वंस स्कूल टीचर ऐप समझ आ